जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर डी फ्रेंड्स पे। तो साथियों देखिए, एक बड़ी अपडेट आ रही है आईटीआई, जो खासकर आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं। तो साथियों मैं बात कर रहा हूँ जो अभी के रेगुलर सेशंस जो हैं उनका टाइम टेबल एग्जामिनेशंस का। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल और सीबीटी एग्जामिनेशंस का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कैंडिडेट के, सभी ट्रेड के कैंडिडेट के जो फाइनल एग्जाम की जो कैलेंडर है, फाइनल एग्जाम के जो प्रोग्राम है, वो जारी किए जा चुके हैं। उसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और आईटीआई से जुड़ी तमाम तरह की अपडेट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2023, तो यहाँ पे देख लीजिए टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है जो कि अनुमानित शेड्यूल है। और ये कौन से सेशन के कैंडिडेट्स के लिए, देखिए तो 21-23 में जो भी एडमिशन लिए हैं, 21-23 सत्र के सेकेंड ईयर का कैंडिडेट, ठीक है, जो भी सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है, टू ईयर कोर्स वाला, जो जो जैसे कि इलेक्ट्रीशियन फिटरी सब टू ईयर कोर्स वाला हो गया, और उसके साथ ही साथ 22-24 सत्र में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है टू ईयर कोर्स वाले में, और वो अभी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट 22-24 सत्र के, और सेकेंड ईयर का कैंडिडेट 21-23 सत्र का, ठीक है, उनके लिए ये जो है टेंटेटिव शेड्यूल है। और साथ ही साथ 22-21 सेशन जो हो गया, 22-21 सेशन जो कि 1 ईयर कोर्स का और 6 मंथ कोर्स का जो होता है, उनके लिए शेड्यूल जारी किया गया है। देखिए तो यहाँ पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाय कैंडिडेट, ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन की जब जब डेट्स जो थे वो ऑलरेडी ओवर है। हालांकि अभी जो है, अभी आप लोगों को देखिएगा तो रिजोल्यूशन ऑफ प्रोफाइल ग्रीवेंस, ये सब अभी आपका कोई मतलब का चीज़ नहीं है। तो चलिए मैं सीधे आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल का। तो यहाँ देखिए साथियों, आप लोगों के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फीस अटेंडेंस, ये सब जो है 15-5-2023 से लेकर के 30-5-2023 तक होगा। ये चीज़ें जब आएंगी उस टाइम आपको मैं वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा। देखिए प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल का अगर बात करेंगे, जो कि आप लोगों का जो जैसे कि आप लोग जो भी थ्योरी लिखते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, वो प्रैक्टिकल जो होता है आप लोग का लैब में जो आप लोग करते हैं, वो देखिए कब होगा, तो 3-7 से लेकर 7-7 के बीच होगा, ठीक है। ये शेड्यूल जो है टेंटेटिव है हालांकि, बट जो है इसी के इर्द गिर्द जो है आप लोग का होना है। तो यहाँ पे 3 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, और फिर उसके बाद आपका काम खत्म होगा। उसके बाद देखिए 7 तारीख से 10 तारीख तक मार्कशीट मार्क्स जो है अपलोड होगा, जो भी आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात कर लेंगे, तो प्रैक्टिकल का आपका डेट समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो 3 से लेकर के 7 जुलाई तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करेंगे, तो सीबीटी एग्जाम जो है आप लोगों का होगा 10 से देखिए 10 से लेके 28 जुलाई के बीच आप लोग का सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और इसमें आपको या तो टैबलेट पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आपको जो है सिस्टम पे एग्जाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर में एग्जाम देना पड़ेगा। सीबीटी में देखिए आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, इसमें आपका आएगा ट्रेड थ्योरी आएगा, जिसको टीटी कहते हैं, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयटी स्किल आएगा, WCS आएगा और ED आएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, बट बेसिकली जो आप लोगों का जिसमें जो मेन वेटेज होगा वो आपका ट्रेड थ्योरी का होगा, ठीक है। उस पर डिटेल वीडियो हम दे देंगे, ऐसे पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं एक आपको वीडियो दे दूंगा कि CVT में आप लोग का कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा, ठीक है। बट आपके 4 सब्जेक्ट उसमें रहते हैं, जैसे कि ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयटी स्किल, WCS और ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन कब होगा, 10 से लेकर 28। अब 10 से 28 के बीच आपका किसी भी दिन एक दिन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाती हैं जब तक आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया, बट ये जो है ऑल इंडिया का दिया गया, ऑल इंडिया में 10 से लेकर 28 तारीख तक सीबीटी एग्जामिनेशन लिया जाएगा। रिजल्ट का डेट देखिए दे दिया गया है 14 अगस्त को आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। महज 15 से 17 दिन में आप लोग का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर सभी जितने जो यहाँ शेड्यूल दिए गए इन्हीं शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अगर चलता रहा, तो फिर 14-8 को आप लोग का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, मतलब 15 अगस्त के एक दिन पहले। कन्वोकेशन की बात करेंगे तो कन्वोकेशन 17-9 को होगा, 17 सितंबर, जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आपको मार्कशीट दिया जाता है, ठीक है। तो साथियों ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में। प्रैक्टिकल जो है 3 जुलाई से 7 जुलाई, और सीबीटी जो है 10 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच की सीबीटी टाइम। तो समय कम है, महज जो है मान के चलिए कि 3 महीने के आसपास का समय है। तैयारी बिल्कुल अपना कीजिए, नीमी का क्वेश्चन बैंक के अलावे भी आप लोग अब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि PDF से अब जो है कुछ कुछ चेंजेस होने लगे हैं। आप लोग जो है बुक थोरली पढ़ाई कीजिए,
और चैनल पे भी जब बहुत जल्द आप लोग को स्टडी मटेरियल्स आई मीन जो है क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से कोई अगले अपडेट में। इस तरह की भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स भी आपको चैनल प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ आईटीआई की सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिकल्स रिलेटेड वीडियोज़ भी बहुत सारे चैनल पर अपलोड है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स सो मच।